वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक आधा एचपी का वाटर पंप को कैसे ठीक किया जाता है वो सीखेंगे। दोस्तों ये वाटर पंप में दोस्तों चालू करने के बाद में इसके जो सील का भाग है वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है और ये मोटर आवाज़ दे रही है। देखिए दोस्तों, ये मोटर में से बहुत आवाज़ आ रही है और जो मोटर के पीछे का सील का भाग आता है वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मोटर को ठीक करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें मोटर के जो हेड के चार नट बोल्ट लगे हुए हैं उसको खोल लेना है। ये खोलने के बाद दोस्तों हमें ये मोटर का इम्पीरियल है उसको निकाल लेना है। इम्पीरियल को निकालने के बाद में जो इम्पीरियल के पीछे जो कवर लगता है उसको निकाल लेना है। अब दोस्तों इसको निकालने के बाद में हमें जो मोटर की सील है पुरानी वाली, वो सील को स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें बाहर निकाल देना है। ये दोस्तों सील पुरानी है, ये निकालते समय टूट जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने जो पुरानी सील थी उसको बाहर निकाल दिया है। दोस्तों ये सील पूरी ख़राब हो चुकी है। अभी दोस्तों इसकी जो पत्थर आती है सील की, वो अभी अंदर रह गई है, पर उसको मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि मोटर को खोल के उसकी शाफ्ट को बाहर निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों अभी हमें मोटर की बेयरिंगों को चेंज करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये मोटर को खोल लेना है और खोल के उसकी जो पुरानी बेयरिंग है उसको निकाल के हमें नई बेयरिंग डालनी है। अभी दोस्तों मैंने मोटर को खोल के उसकी शाफ्ट को बाहर निकाल दिया है। मोटर की शाफ्ट के ऊपर दोस्तों आगे पीछे जो दो बेयरिंग लगी है वो बेयरिंग को हमें पुलर या हथौड़ी की मदद से बाहर निकाल देना है। दोस्तों ये शाफ्ट के ऊपर जो बेयरिंग है वो लूज है, तो मैं इसको हथौड़ी से ही निकाल देता हूँ। अगर बेयरिंग ज़्यादा टाइट हो तो उसको पुलर की सहायता से निकालना चाहिए। दोस्तों देखिए आगे की बेयरिंग निकल गई है, ये 6202 नंबर की बेयरिंग है। अब हमें दोस्तों जो दूसरी वाली बेयरिंग है उसको भी निकाल देना है। देखिए दोस्तों ये दूसरी वाली बेयरिंग भी आसानी से बाहर निकल गई है। ये दोस्तों दोनों बेयरिंग सेम 6202 नंबर की बेयरिंग है। अब दोस्तों बेयरिंग को निकालने के बाद में हमें मोटर की शाफ्ट को आगे पीछे दोनों साइड से अच्छे से साफ करके उसके ऊपर ग्रीस लगा देना है, ताकि हमारी नई बेयरिंग आसानी से उसके ऊपर इंस्टॉल हो सके। इसके बाद में दोस्तों हमें 6202 नंबर की दो नई बेयरिंग ले लेनी है। और ये बेयरिंग में दोस्तों हमें उसके दो बेयरिंग के जो कवर आते हैं उसको रिमूव करके उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रीस ऐड कर देना है, क्योंकि दोस्तों जब हम नई बेयरिंग खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा ग्रीस ऐड किया हुआ होता नहीं है। बेयरिंगों को कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों हमें दोनों बेयरिंगों को शाफ्ट के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। बेयरिंग इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों हमें बेयरिंग साइज की एक पाइप का टुकड़ा लेना है और बेयरिंग को शाफ्ट के ऊपर बिठा के बेयरिंग के ऊपर पाइप का टुकड़ा रख के हमें ऊपर हथौड़े से हिट करके उसको इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये मोटर के शाफ्ट में बेयरिंग आसानी से शाफ्ट के ऊपर इंस्टॉल हो जाती है, इसलिए मैं हथौड़ी की सहायता से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। बाकी पाइप की मदद से इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी आसानी रहती है। देखिए दोस्तों हमारी दोनों बेयरिंग अब शाफ्ट के ऊपर इंस्टॉल हो गई है। ये दोनों बेयरिंग को इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो मोटर का आगे वाला कवर है जिसमें सील बैठती है, वो कवर में जो सील का पत्थर का जो रिंग टाइप भाग आता है वो रह गया है, उसको हमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उसको बाहर निकाल लेना है। देखिए दोस्तों मैंने सील की जो पुरानी पत्थर थी उसको बाहर निकाल दिया है। अब दोस्तों इसको बाहर निकालने के बाद में जो उसकी जगह है वहाँ उसको हमें अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि जो नई सील की पत्थर है वो वहाँ आसानी से
बैठ सके। ये काम करने के बाद में दोस्तों हमें एक 12 mm की नई सील ले लेनी है। नई सील में दोस्तों एक सील की पत्थर सील और एक लॉक आती है। देखिए दोस्तों सील की पत्थर है, पत्थर की जो ये ब्लैक वाली भाग है वो अंदर की साइड बैठेगी और ये लाल वाली भाग ऊपर रहेगी, और ये सील है और ये सील की लॉक है जो हमें सील को लगाने के बाद में सील के ऊपर लॉक कर देना होता है। अब दोस्तों हमें सील की पत्थर जो हमने पुरानी निकाली थी वहाँ पे नई वाली सील की पत्थर को लगा देना है। और सील को दोस्तों हाथ से हमें प्रेस करके अंदर की साइड में दबा देना है। इसके बाद में दोस्तों हमें मोटर के शाफ्ट को मोटर के कवर में बिठा के मोटर को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों मैं शाफ्ट को जो मोटर का बैक कवर है उसके अंदर लगा के बाद में मोटर का जो आगे का कवर है उसको लगा के पीछे से शाफ्ट को लगा के उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। पहले दोस्तों ये आगे वाला कवर लगेगा। देखिए दोस्तों मैंने मोटर के दोनों कवर को लगा के मोटर को कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों इसके बैक कवर के जो दो नट आते हैं वो नट को हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। ये टाइट करने के बाद में दोस्तों हमें मोटर को आगे की साइड में घुमा देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे जो हमारी नई ऑयल सील है मोटर की उसको लगाना है। ऑयल सील को लगाने से पहले दोस्तों हमें शाफ्ट के ऊपर जो 0 नंबर की पॉलिश पेपर आती है उससे थोड़ा थोड़ा साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में दोस्तों हमें जो मोटर की शाफ्ट है उसके ऊपर ग्रीस लगा देना है ताकि जो मोटर की सील है वो आसानी से उसके अंदर बैठ सके और वो ख़राब ना हो। इसके बाद में दोस्तों सील को शाफ्ट के ऊपर लगा के हाथ से अंदर की साइड में प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में दोस्तों सील की जो लॉक है उसको लॉक प्लायर की मदद से शाफ्ट के ऊपर बिठा के जो शाफ्ट के ऊपर गैप आती है वहाँ पे लॉक कर देना है ताकि सील अच्छी तरह से लॉक हो जाए। देखिए दोस्तों मैंने सील की लॉक को शाफ्ट के ऊपर लगा दिया है। दोस्तों अब ये लॉक को हमें सील के आगे जो शाफ्ट के ऊपर एक गैप दी गई हुई होती है वो गैप में हमें इसको सेट कर लेना है। इस तरह से ये सील के आगे एक गैप आती है, गैप में उसको सेट कर लेना है। देखिए दोस्तों मैंने इसको कंप्लीट सेट कर लिया है। ये जो लॉक है वो शाफ्ट की गैप के अंदर फिक्स हो गई है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारी सील कंप्लीट लॉक हो गई है। इसके बाद में दोस्तों हमें जो मोटर की इंपीरियल के आगे पीछे जो दो कवर बैठते हैं और कवर के बीच में जो गैप पड़ता है वो गैप के लिए हमें दोस्तों एक कागज़ की रिंग बना लेनी है। तो पहले उसका नाप लेके हमें दोस्तों एक पैकिंग काट लेनी है। और दूसरी पैकिंग दोस्तों हमें जो मोटर के हेड का पीछे का भाग है वहाँ के लिए भी बना लेनी है। दोस्तों मैं बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरह की पैकिंग बनानी है। देखिए दोस्तों मैंने ये पैकिंग दो तैयार कर दी है। अब दोस्तों हमें जो मोटर के हेड के बैक वाला भाग है उसके ऊपर इसको लगा देना है। पहले थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा के कागज़ की पैकिंग को उसके ऊपर लगा देना है। इस तरह से दोस्तों इसको लगा के कंप्लीट कर लेना है। इसको लगाने के बाद में दोस्तों हमें जो मोटर के इंपीरियल का जो पीछे का कवर है उसको लगा देना है। दोस्तों इसमें एक होल दिया गया है, ये होल को हमें जो
हमारे हेड के जो चार बोल्ट लगते हैं उसमें ऊपर की साइड में जो हमारी साइड से राइट साइड में जो होल है उसके सामने ये होल को सेट कर लेना है। और ये होल को सेट करने के बाद हमें जो इम्पीरियल है वो इम्पीरियल को उसके खांचे में चाबी के साथ में लॉक कर देना है। इस तरह से दोस्तों इसको लॉक करके इम्पीरियल को हमें बिठा देना है। अब दोस्तों हमें जो दूसरा कवर है उसको लेना है, इम्पीरियल का ऊपर वाला कवर, उसके ऊपर ग्रीस लगा के जो उसके लिए हमने पैकिंग बनाई थी वो पैकिंग को हमें लगा देना है। इस तरह से दोस्तों पैकिंग को लगा देना है। इसके बाद में दोस्तों इसको हमें मोटर की शाफ्ट पर इम्पीरियल के सामने सेट कर लेना है। अब हमें दोस्तों जो इम्पीरियल के सामने वाले कवर में जो होल दी गई है वो होल को हमने जो पहले इम्पीरियल के पीछे वाले कवर की होल सेट कर दी थी उसकी बाजू में जो हेड का नट बोल्ट के लिए जो होल दिया गया है वो होल के बराबर में हमें इसको सेट करके लगा देना है। मतलब कि जो हेड की होल है ऊपर की लेफ्ट साइड की वो साइड में वो होल को हमें रखना है, आगे वाले जो इम्पीरियल का कवर है उसका होल। और उसके बाद में हमें दोस्तों जो हेड के चारों नट बोल्ट है उसको लगा के अच्छी तरह से उसको कस लेना है। देखिए दोस्तों हमारी ये पंप तैयार हो गई है। अब दोस्तों हमें मोटर की सप्लाई वायर को लगा के उसका टेस्टिंग करना है। तो दोस्तों मैं इसका वायर को लगा के अब टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मोटर की जो लीकेज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है और मोटर के अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो भी अब बंद हो गई है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।